ओके स्टूडेंट, सो टुडेज योर ड्राइंग टॉपिक इज स्टिल लाइफ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ड्रॉ दिस स्टिल लाइफ विद द शेडिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ ऑब्जेक्ट, इट्स जग ऑब्जेक्ट. सो सबसे पहले आपको एक ड्रॉ करना है एक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर. यू हैव टू ड्रॉ बेसिक स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ओवल. दिस इज अ ओवल एंड देन ड्रॉ अ टू टिल्ट लाइन्स लाइक दिस. And then you have to draw a curve, jerk curve like this. And you have to draw like this. आपको ऐसे straight line डालनी है like this. It's your very basic structure. It's very basic. Now I'm going to finalize this drawing. So सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो oval draw किया है you have to draw oval and then you have to curve this. आपको उसको कर्व करते हुए ऊपर की साइड लेके जाना है लाइक दिस और इसको थोड़ा सा नीचे की साइड लाइक दिस और उसको ठीक है. ओके, तो जब आप इसे ऊपर की साइड लेके गए हो तो आपको इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे रखना है और फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर की साइड थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो गया, आपको थोड़ा सा और नीचे करना है ठीक है. तो अब आपको इसको यहाँ से रिपीट करना है ऐसे, एक डबल लाइन देनी है आपको आपको ऐसे डबल लाइन देनी है ठीक है. अब आपको क्या करना है और ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये थोड़ा सा यहाँ से भी अंदर की साइड जाएगा ओके और ये इज एक्स्ट्रा लाइंस ठीक है. अब आपने जो टिल्ट लाइन दी है अब हम इसको शेप देंगे लाइक दिस. अब आपको सेम यहाँ भी देनी है, ये थोड़ा सा अंदर फिर थोड़ा सा इसे बाहर ठीक है. अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा और छोटा हो सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ऑब्जेक्ट इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और भी हम यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट निकालेंगे उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले आपको एक ओवल ड्रॉ करना है, यू हैव टू ड्रॉ ओवल एक ओवल के अंदर एक और ओवल लाइक दिस. उसके बाद टू स्ट्रेट लाइंस एंड देन उसको आपको कर्व देना है और ऐसे थोड़ा सा कर्व देके फिर देन स्ट्रेट लाइन और फिर यहाँ से इसको मिला देना
ठीक है, और यहाँ से इसकी शेडो, ठीक है। अब ये यहाँ तक ही आएगा बेटा आपका, आपको ऐसे कर्व देना है और इसको यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। अब इसे आपको बैक से स्ट्रेट लाइंस देनी है ऐसे, और यहाँ से आपका आप एक कर्टन निकालना है लाइक दिस, अब आपको यहाँ एक छोटा सा सबसे पहले आपको एक स्पून बनानी है, स्पून बनाने के लिए यू हैव टू ड्रॉ ओवल, थोड़ा सा आप ऊपर कर सकते हो उसे, यहाँ पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन डालनी है, ठीक है इतना। उसके बाद आपने यहाँ पे एक ओवल देना है, यू हैव टू ड्रॉ ओवल, देन उसके बाद आपको यहाँ आपको एक ऐसे कर्व लाइन डालनी है, ठीक है। आपको यहाँ से पहले यू शेप में एक लाइन ड्रॉ करनी है जो आगे जाके नैरो हो जाएगी, लाइक दिस, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नैरो हो गई, अब इसके नीचे से ही आपको टू डबल्स लाइन डालनी है लाइक दिस, और एक ओवल शेप देनी है ऊपर से, अभी आप उसे ओवरलैप कर सकते हैं, बस आपको इतना देना है। और फिर यहाँ से आपको एक बाउल बनाना है, बाउल बनाने के लिए आपको ऐसे हाफ सेमी ओवल देना है लाइक दिस, फिर टू टिल्ट लाइन, एंड देन जॉइन इट, ओके। आपने इसे जॉइन किया है, ओके। हम ये कर सकते हैं, हम इस थोड़ी सी लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्टन, ओके। यहाँ से आप एक बेस लाइन निकाल सकते हो बेटा लाइक दिस, ओके। तो आपके ये थ्री ऑब्जेक्ट्स बन गए, अब हम करते हैं आगे चलते हैं। अब आपने दूसरा कर्टन आपको निकालना है यहाँ से, तो यहाँ से कर्टन निकला, कर्टन का शेप और ये आया यहाँ तक, ठीक है। और यही जो आपने ये हमारा छूटा है, यहाँ से हम इसके हैंडल बनाएंगे, तो जो ये वाला पार्ट है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मार्क की शेप देनी है, और दूसरा उससे ऊपर, ठीक है। तो ये जो आपके अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे यहाँ से आपको पहले एक कर्व निकालना है लाइक दिस, फिर इसको आपको यूज़ करना है, उसके बाद आपको
ऐसे टू लाइंस ड्रॉ करनी है एंड ये थोड़ा सा नीचे आगे कर्व होके यहाँ बाहर की साइड निकलेगा और इसको जॉइन करना है इसके साथ ऐसे लाइक दिस और इसके यहाँ से आपको इसको बेस लाइन देनी है। ओके तो जो आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेडिंग। सबसे पहले मैं शेड करूँगी ऑब्जेक्ट में जग वाले ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप है शेडिंग का यू हैव टू शार्प योर पेंसिल बिकॉज शेडिंग फॉर शेडिंग यू हैव टू शार्प योर पेंसिल। आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए फॉर शेडिंग। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट शेडिंग। ओके तो सबसे पहले जो हम पार्ट में शेडिंग कर रहे हैं वो हम जग का पार्ट है तो यहाँ से आपको एक और लाइन डालनी है बहुत पतली सी। यू हैव टू शेड इस लाइक दिस। आपने ऐसे शेड किया उसको लाइक दिस। उसके बाद यहाँ से एक शेड लाइक दिस। उसके बाद यहाँ से शेडिंग थोड़ी सी देन यहाँ से शेडिंग बहुत थोड़ी सी। जैसे 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 आपको शेडिंग दिख रही है बेटा आपको बिल्कुल वैसे वैसे शेडिंग करनी है। बस आपको पेंसिल को हमेशा शार्प रखना है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी पेंसिल की शार्पनेस ख़त्म हो रही है देन यू हैव टू शार्प इट। यहाँ से थोड़ी सी डार्क फिर देन उसको शेड। और ये भी थोड़ा सा पार्ट डार्क। ओके नाउ ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क। अभी आगे आगे आते हुए ये भी थोड़ा सा डार्क और ये थोड़ा सा लाइट। बेटा आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको कैसे लाइट एंड शेड निकालना है। ये वाला पार्ट आपका लाइट। और ये लाइट होते हुए ये वाला पार्ट आपका लाइट ही रहेगा बेटा। फिर ये थोड़ा सा यहाँ से डार्क ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा सा लाइट डार्क वो लाइट लाते हुए छू थोड़ा सा ठीक है। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ 2 मिनट्स ताकि आप अच्छे से ड्रॉ करें। ओके तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा लाइट करते करते ये थोड़ा सा लाइट यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वाइट ही छोड़ना पड़ेगा बट पहले यहाँ से लाइट। ठीक है तो आपको बहुत ध्यान रखना है हर चीज़ का। ठीक है तो आपको ऐसे ऐसे लाइट देना है। उसके बाद यहाँ से एक छोटी सी लाइन आ रही है तो आपको ऐसे शेड से निकालनी है इसको लाइक दिस। फिर
इसको भी एक थोड़ा सा लाइट शेड दे देना है आपको, ठीक है? आपको शेडिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ की साइड आपको एक बहुत लाइट लाइट ऐसे लाइन्स देनी है जो सिर्फ नॉर्मली शेड दे सके, और ये फिर शेडिंग ऐसे जाएगी यहाँ से भी, यहाँ थोड़ी सी शेडिंग लाइक दिस। उसके बाद ये थोड़ी सी डार्क, और फिर इसे आपको ऐसे शेड देना है। उसके ठीक है, फिर ये उससे थोड़ा लाइट एज कंपेयर टू दिस। ओके, उसके बाद आपको बहुत चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपको ये यहां से थोड़ा सा डार्क, ये पार्ट थोड़ा सा लाइट रहेगा बेटा, तो आपको यहाँ पे इसे थोड़ा आपको बेटा शेड ऐसे करना है कि वो थोड़ा मर्ज हो, कट आउट ना लगे, ठीक है? तो मैं आपकी वही शेडिंग पे आपका शेडिंग को ध्यान में रखते हुए जैसा हमें दिख रहा है वैसे ही शेड करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आपका बचा है ये आपका थोड़ा सा लाइट रहेगा। अब लाइट करने के बाद उसके ऊपर आप बहुत लाइट लाइट एक पेंसिल दे सकते हो बस, बट स्टिल फिर भी वो थोड़ा सा अलग लगेगा। अब आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा डार्क देना है, ठीक है? थोड़ा सा डार्क ताकि वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट निकल के आए, ठीक है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, उसको थोड़ा सा मर्ज कर देंगे आप जैसे मैंने अभी आपको बताया, ताकि वो थोड़ा सा कट आउट कम लगे लाइक दिस। एंड यहाँ पे इसकी शेडिंग जा रही है, तो आपको उसको बहुत लाइट करना है और फिर उसको मिक्स मिक्स एंड मिक्स। ओके ओके, तो अब हम आते हैं इस वाले पार्ट में। यहाँ ये थोड़ा सा डार्क है एज कम्पेयर टू दिस, और ये वाली लाइन भी डार्क है बस इतनी। और यहाँ पे शेड है, आप लाइट शेडिंग दे सकते हो बेटा। यहाँ से थोड़ा सा डार्क, ठीक है? तो आपका जो ये है जग, वो जग की शेडिंग थोड़ी सी रहती है। अब आप इसको थोड़ा सा मर्ज कर दो बेटा, ये थोड़ा सा कट आउट लग रहा है तो उसको थोड़ा सा मर्ज करेंगे हम। एक बिल्कुल लाइट टोन आपको देनी है पूरे में, ठीक है? तो अब वो ज़्यादा कट आउट नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा आपको मर्ज करना है। ठीक है, थोड़ा सा मर्ज, देन मर्ज, फिर मर्ज। ठीक है, तो आपको ऐसे थोड़ा सा मर्ज करना है, ये भी थोड़ा सा कट आउट लग रहा है तो आप इसको भी मर्ज कर दीजिए।
अब ये ज़्यादा ज़्यादा कटआउट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब हम करते हैं कर्टन, अभी हम पहले इसके हैंडल कर लेते हैं। हैंडल एक साइड से डार्क होगा बेटा, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, आप इसको कहीं कहीं से लाइट छोड़ सकते हैं, यहाँ से लाइट है। ठीक है, ओके। तो आपका जो ये है, हैंडल भी हो गया है। अब हम करते हैं डार्क पार्ट। आपको ये निकालना कैसे है, यू हैव टू डार्क दीज ऑल पार्ट्स लाइक दिस। बेटा आपको कर्टन बहुत ज़्यादा डार्क करना है, ठीक है। ठीक है, आपको कर्टन इसलिए डार्क करना है ताकि आपका जो जग का जग पार्ट जग ऑब्जेक्ट है वो निकल के आए। तो आप इसमें एंगल भी चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि शेडिंग में फिर वो पता नहीं चलेगा। लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही आपको अपना ये वाला पार्ट भी निकालना है, तो ये भी ऐसे डार्क होगा बेटा, आपको बहुत डार्क करना है ये। आप इसमें एंगल्स चेंज कर सकते हो, क्योंकि जब वो डार्क हो जाएगा तो आपके अंदर के एंगल्स का पता नहीं चलेगा, तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो आपका कर्टेन है और आपका ये है, ये हमने निकाल दिया है। अब आप यहाँ थोड़ी सी शेडिंग दे सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर डार्क और डार्क टू लाइट, ठीक है।